गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अभी अभी हम एक लाइव करके हटे हैं रिगार्डिंग जो एक रिसेंटली बहुत ही दुखद इशू है हमारी सोसाइटी में, दैट इज चिल्ड्रन कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशंस। और अभी ये एक घंटे का लाइव आपने हमारे चैनल पर देखा होगा विद शेफाली चोपड़ा। साथ ही साथ कुछ लोगों के मैसेज आया कि अरे एक घंटे हमसे स्किप हो गए और एक घंटे का लाइव देखना बड़ा ही मुश्किल है, तो क्यों ना आप एक समरी बना दीजिए, एक छोटा छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बता दीजिए, ताकि वी कैन टेल टू द अदर पीपल अराउंड और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये एक छोटा वीडियो बनाता हूँ। देखिए, मेरी गुजारिश है उन सभी बच्चों से जो कि किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट से, प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर विनती, आप सुसाइड मत करिए, ये कोई कोई भी चारा नहीं है। और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अमूल्य है, वो एक टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट आपकी जो मैग्नानिमिटी है, आपका आप जितने बड़े इस संसार में, इस दुनिया में बन सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट उसके आगे कोई बिसात नहीं रखता। तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ 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 सुसाइड मत करिए। ये बहुत ही दुखद इंस्टेंस अभी हुआ जब कोटा में दो बच्चों ने नीट का टेस्ट देते ही सुसाइड कमिट कर लिया। और आप ये देखिए विडंबना कि उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट आने की भी इंतजार नहीं करी, उन्हें क्या लगा। और आप रेशियो देखिए, स्टैट्स देखिए, इंडिया में क्या हैं, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं। And on top of it, please मत करिए, जिंदगी बहुत अमूल्य है, प्रेशर हैंडलिंग सीखिए। जो हमने बात करी वो यही थी कि आप प्रेशर हैंडलिंग सीखिए कि हाउ कैन यू हैंडल प्रेशर बेटर। पहली चीज है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं आप रेगुलर ब्रेक लीजिए, अपने आप को दूसरों की तैयारी से मत कंपेयर करिए। फिर अगर कभी भी आप लो फील करते हैं, टेंस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो किसी से भी जो कि आपको समझता है उससे बात करिए, उससे अपनी प्रॉब्लम रखिए। यही नहीं होता तो टेक प्रोफेशनल हेल्प, किसी प्रोफेशनल से आप बात करके समझिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। अपने पेरेंट्स को खुल के बताइए जो आप अंदर से फील कर रहे हैं। और बस सार हमारी सारी एक घंटे की कन्वर्सेशन का ये है कि ज़िंदगी अमूल्य है, एक टेस्ट डिफाइन नहीं करता आपकी सक्सेस और फेलियर को, ज़िंदगी में बहुत आयाम है। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, नहीं भी बन पाए तो भी बहुत चीज़ें हैं, आप बहुत और कुछ कर सकते हैं। ऐसे इस दुनिया में हज़ार हज़ार एग्जाम्पल्स हैं, आप उन सब एग्जांपल्स उन सबको देखिए, स्ट्रेस से लड़ना सीखिए, मेडिटेशन फॉलो करिए, जिससे कि आप हमेशा सेल्फ इक्विप्ड रहेंगे और हमेशा सेंटर्ड रहने का प्रयास करें, कभी भी स्ट्रेस और एंजाइटी में ना फंस पाए। और आप खुद देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी जब आप स्ट्रेस से एक कदम ऊपर उठकर जीना शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई भी मदद चाहिए, आप मेरे चैनल पर बेधड़क होकर लिख सकते हैं, मैं किसी भी कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझसे कभी भी किसी भी बारे में बात करना चाहें कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ शुभकामनाएं आप सबको, आप सब अपने गोल्स अचीव करें। और विनती है अगेन, प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है जो प्रेशर क्रिएट करें, वो जैसे आपको सक्सीड होता देखना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स, माँ बाप को, और एक इंसान की डेथ नहीं होती उसके साथ, माँ बाप भाई बहन न जाने कितने लोग, यार दोस्त कितने लोग साथ में ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ आप सुसाइड मत करिए, अपनी जीवन की अमूल्यता को पहचानिए जो ईश्वर की देन है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।